हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बी एस एंटरटेनमेंट। माय नेम इज रिजवान और अभी हम आ चुके हैं खिंची गोट फार्म पे और मिलते हैं उस गोट फार्म के ओनर से सुनील भाई से। और अभी ईद 2024 के खस्सी बकरे खड़े हुए हैं। तो सुनील भाई, कितने बकरे हैं ये? अभी 70 बकरे हैं। 70 बकरे हैं ये? आपसे अपने फार्म पे कब से हैं ये? तो अभी 5-6 दिन हुए हैं। 5-6 दिन होगा। ये बकरा कितने वजन पे होगा? ये तो करीबन 130 केजी का। 130? ज्यादा नहीं बोल रहे हैं? अरे भैया, वजन है इसमें, डबल हड्डी का माल है, कोई छोटा मोटा माल नहीं है। माशाल्लाह, बहुत ही देखने में तो बब्बर शेर लग रहा है, बहुत ही लाजवाब। 4000 रुपए मेरे को दे रहे थे, मैंने मना कर दिया देने के लिए। अच्छा, और ये वाला दूसरा? ये करीबन 90 किलो के, 90-95 के लगभग। 90-95? ये माशाल्लाह बहुत ही जानदार शानदार बकरा है। ये देखिए, लाजवाब, बहुत ही प्यारा। और इसी में कोई दिखाई 100+ में? 100+ में इसका क्या बॉडी वेट होगा? करीबन 100 के बीच में। 100 के बीच में इसका क्या प्राइस होगा? ये तो किलो के हिसाब से, सब किलो के हिसाब से जी जी। और ये वाला? ये भी 100 के जी लगभग। कितने पीस होंगे ये टोटल? ये मेरे पास में टोटल बकरे है 70 पीस। कब से काम कर रहे हैं आप? मेरे को तो 5 साल हो गए। 5 साल हो गए इस फील्ड में? 5 साल आपको हो चुके हैं। ये बकरा लाजवाब लग रहा है मुझे, देखिए माशाल्लाह, इस पे दिल आ गया मेरा। 70,000 मिल रहे थे तब नहीं दिया आपने जी। तो ये आप किलो से सेल करते हैं या पीस से? नहीं, किलो के हिसाब से सेल करते हैं। किलो से इंसान इस टाइम पे बहुत डरता है खरीदने से। वो तो देखो यार, रेट में लोग कांटे मारते हैं। अच्छा, उनको 300 रुपए किलो में बकरे चाहिए, कट्टू नहीं मिलता 300 रुपए किलो में। अच्छा, 300 रुपए किलो अगर देंगे तो उसमें झोल है कुछ? उसमें झोल रहेगा ना। अच्छा, आपको मालूम है 2 किलो, 70 किलो, 80 किलो के बकरे कौन देगा 300 रुपए किलो? ये बात तो है कि खर्चा इतना आ जाता है, अगर उतने में आपको मिल रहा है तो वो कुछ ना कुछ फ्रॉड कर रहा है जी जी। कुछ चीज़ से आप समझ जाइए, सतर्क हो जाइए। मैं तो अपनी हर वीडियो में बताता हूँ कि आप केजी से ना लें, पट्टी से लें। और पट्टी से लेने में आपका भी फायदा है, सामने वाले पार्टी का भी फायदा है। जितने रुपये पट्टी से आपका वेट हो जाए, कस्टमर आपका आपका पार्टी राजी हो जाए, उतने से ले लें आप जी जी। आप भी ज्यादातर पट्टी से ही सेल करते हो? ज्यादातर तो करते हैं, लेकिन माल तब की खड़ा माल रहता है ना, तब करते हैं पट्टी से सेल। अच्छा जी। और जंगल से खरीदवाते हो जब? तब उनके लिए ऑर्डर देना पड़ता है, फिर उसके किलो के हिसाब से बात होती है। किलो के हिसाब से बंदा बता नहीं कैसा, किस टाइप का माल चाहिए, किस टाइप का चाहिए। अच्छा, हिसाब से। अभी ये लाजवाब बहुत ही शानदार। तो ये बकरे आपने पाले या खरीदे? नहीं, ये सब खरीदे हुए बकरे हैं। कब खरीदे थे ये? ये तो अभी 5-6 दिन हुआ, अभी मैंने ना, अभी बेचने के लिए अवेलेबल है ये माल। अभी क्या खिला रहे हैं दाने चारे में? अभी चारे में क्या दे रहे हैं? अभी हरी पत्ती, जो दलिया, मेथी। अच्छा, ये सब कुछ दे रहे हैं? ये बकरों को 4-5 दिन हो गए अपने पास में जी जी। और अगर कोई ईद के अलावा कोई बकरे लेना चाहे तो वो भी अवेलेबल करा देंगे आप जी जी? कुर्बानी के अलावा जो बकरे लेने चाहे, अगर छोटा माल चाहिए 20-22 किलो का, 25 किलो का बकरा, वो भी मिल जाएगा जी जी। अच्छा, वो कितने रुपए केजी आएगा या पीस से? वो पड़ेगा तुम्हारे करीबन किलो के हिसाब से, एक बकरा पड़ेगा 4,000-5,000 रुपए का छोटा पीस। 4,000-5,000 रुपए का छोटा पीस पड़ जाएगा। अभी आपको कितना टाइम हो गया इस फील्ड में आए हुए? मेरे को करीबन 5 साल हो गया। 5 साल हो गए जी। 5 साल में आपने ऑल ओवर इंडिया माल भरा दिया होगा जी जी। तो अभी ट्रांसपोर्ट के लिए व्यवस्था इसकी करा देंगे जी? करवा दूंगा। अच्छा, उसका भाड़ा वगैरह का रेट करा देंगे ना? भाड़ा वगैरह सब कुछ वो मिल जाएगा। बड़ी गाड़ी अगर मान लो ज्यादा बकरे ले रहा है, 100-200, तो उसके लिए भी अपना गाड़ी मिल जाएगी। और 20-30 चाहिए तो अपने खुद के पास में महिंद्रा बोलेरो पिकअप है करके। अब कोई आना चाहे यहाँ पे विजिट करना चाहे तो एक दो दिन अजमेर आके मेरे को कॉल करो, मैं अजमेर से सीधा रिसीव करूंगा। अच्छा, एक दो दिन रुकने की व्यवस्था फार्म पे है जी जी? रुक सकता है वो यहाँ पे आके? हाँ, रुके। अच्छा, तो कोई भी भाई आ सकता है सुनील खिंची भाई के पास में आ सकता है, खिंची गोट फार्म पे आ सकता है। आप आइए राजस्थान अजमेर में। कौन सा गाँव पड़ता है आपने एड्रेस? राजस्थान अजमेर आया, पुष्कर विलेज कड़ेल। विलेज कड़ेल है पुष्कर के। पुष्कर से कितना आई? ये पुष्कर से करीबन 8 किलोमीटर दूर। 8 किलोमीटर दूर है पुष्कर से। और अगर आप आते हैं रिसीव करने के लिए तो आपको रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से रिसीव कर लेंगे। ये अजमेर में भी एयरपोर्ट है किशनगढ़ में, वहाँ से आपको ये ले लेंगे। और सबसे बढ़िया आपको लोकेशन मिल जाएगी गूगल मैप पे। आप आइए विजिट कीजिए एक बार, इन्हें सेवा का मौका अवश्य दीजिए। ठीक है, थैंक यू सुनील भाई। okay.